अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ राइस। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इधर 150 ग्राम पफ राइस लिया है। इसको अच्छे से पानी में डालकर धो लेंगे। इसको हाथों की मदद से स्क्वीज कर लेंगे ताकि पानी निकल जाए। पानी में ज्यादा देर पफ राइस को ना रखिए वरना नरम हो जाएगा। पफ राइस मैंने अभी धो लिया है। पफ राइस में जो पाउडर इस्तेमाल होगा उसको हम बना लेंगे। 2 टेबलस्पून भुना हुआ चना, ग्रेट किया हुआ 2 टेबलस्पून सूखा नारियल, 4 बड़े से कलियां लहसुन के, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको डालकर दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं बनाने की तरफ। चूल्हे पे एक कढ़ाई रख लो और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून भुना हुआ चना, 1 मीडियम साइज प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 1 लाल मिर्च। मैंने इसको तोड़ लिया है और इन सबको अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अभी डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून डालेंगे पफ राइस जो कि हमने धो के रखा है। पफ राइस को अच्छे से मिला लीजिए। और इसको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक के छोड़ दीजिए। अभी 5 मिनट हो गए हैं। जो पाउडर हमने ग्राइंड करके रखा था उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिलाकर 2 मिनट के लिए दम पर स्लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए। देखिए हमारा पफ राइस कितना प्यारा बना है और ये सर्व होने के लिए तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी को भी बजा देना। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।